नहीं होती है। आखिरकार इतनी मेहरबानी इन पर क्यों? आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ में पवित्रा ने किए कई पाप, भारत समाचार ने खोली पोल। बहुत मजबूत कमीशनबाजी ली गई ठेकेदारों से, ठेकेदारों को परेशान किया गया। ईओ पर आला अधिकारी मेहरबान। भ्रष्टाचार की ब्रांड एम्बेसडर है पवित्रा। गाजियाबाद के मुरादनगर में 25 लोगों की जान भ्रष्टाचार की वजह से गई। उस मामले में कार्रवाई हो गई, दोषी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस तरह का करप्शन और कमीशन खोरी सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि यूपी के लगभग सभी जिलों में बदस्तूर जारी है। जिन मोहतरमा को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको गौर से देखिए। इनका नाम है पवित्रा त्रिपाठी, लेकिन इनके कारनामे इनके नाम के बिल्कुल उलट हैं। मैडम का रुतबा ऐसा है कि 3 साल पहले मेरठ के डीएम अनिल ढेंगरा ने इनको 2 नगर पंचायतों का ईओ बनाया था। पवित्रा ने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि धरती से लेकर पाताल तक जो भी सुने वो हैरान हो जाए, लेकिन आला अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। पवित्रा के पापों का किसी ने कोई हिसाब किताब नहीं किया। हैंडपंप से लेकर सड़क तक, स्ट्रीट लाइट से लेकर लाखों की हाई मास्क लाइट तक, पवित्रा ने भ्रष्टाचार के आगे शौचालय निर्माण में घोटाला तक किया। जो शौचालय राज्य सरकार 11,000 में बनाती है, पवित्रा ने उस शौचालय की रिपेयरिंग के लिए 12,000 रुपए सरकारी खजाने से वसूले। मोटी रकम में घटिया वाटर कूलर खरीदे, किसी ने मोटा कमीशन दे दिया तो उसी के स्कूल में सरकारी हैंडपंप लगवा दिया। पवित्रा के इस पाप में हमेशा साझीदार रहा चपरासी असलम। असलम शासनादेश के विरुद्ध साठगांठ करके चपरासी से बाबू बन गया। जांच में आरोप सही पाए गए, लेकिन असलम के खिलाफ डीएम के आदेश के बावजूद आज तक उसका सस्पेंशन नहीं हो सका। मेरठ की कमिश्नर से इस मामले की शिकायत के बाद डीएम ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच में ईओ पवित्रा त्रिपाठी के खिलाफ सारे मामले सत्य पाए गए। वित्तीय अनियमितता गंभीर थी और इसलिए मेरठ की कमिश्नर ने ईओ पवित्रा त्रिपाठी के निलंबन के लिए शासन को चिट्ठी लिख दी, लेकिन शासन में बैठे भ्रष्ट अफसर इस चिट्ठी को दबा कर बैठ गए। कमीशनबाजी थी और कमीशनबाजी भी हल्की नहीं थी, बहुत मजबूत कमीशनबाजी ली गई ठेकेदारों से और ठेकेदार को परेशान किया गया। और ठेकेदार बेचारे क्या करते हैं, उन्हें मजबूरन जाए अपना पेमेंट कराने के लिए उन्हें देना पड़ा कमीशन। आपने शिकायत की थी, आपको भी प्रताड़ित किया गया? हाँ, क्योंकि जय हमने कहा भाई काम सही करो तो जय बजाय सही करने के सारे काम गलत किए गए। हमने जय उनको रोका, जय जाके बहुत सारे जय मेरठ से जय टीम आई और उन्होंने जय फिर आके शिकंजा कसा और उसके बाद में जय। लेकिन अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ है, अभी कोई जय रिस्पांस नहीं मिला। त्रिपाठी जी का जलवा ऐसा है कि सभासद ठेकेदार उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आला अधिकारी मैडम के सामने म्यूट हो जाते हैं। किसी की क्या मजाल जो मैडम की शान में गुस्ताखी कर दे, होगा वही जो मैडम चाहेंगी। आप चाहे जहाँ शिकायत कर लें, मैडम का बाल भी बांका नहीं होगा। ईओ पवित्रा त्रिपाठी के खिलाफ शासन में निलंबन की संस्तुति कर दी गई, लेकिन उसी के साथ ही लिपिक असलम के खिलाफ वसूली और निलंबन की फाइल इसी ऑफिस में महीने से दबी पड़ी है। ये बाबूगिरी और नौकरशाही का असर है। सरकार कुछ भी मंशा रखे, लेकिन यहाँ आकर सारी मंशाएं दम तोड़ जाती हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।